तुमने तो अपनी नानी का दिल दहला के रख दिया, ऐसे भी कोई करता है? ये जानलेवा हरकतें तुमने कहां से सीखी बेटे? आपने उस औरत की बातें सुनी थी? दिल चाह रहा था धक्के मार मार उसको घर से निकाल दूं, उसके बेटे को भी। अच्छा तुम अपना दिल खराब मत करो, आंखें बंद करो, सोचो। शाबाश मेरी जान, शाबाश। दादू। अरे शामीर, तुम अब कैसी तबीयत है मुंतहा की? ये तुम्हारे सामने लेटी हुई, पूछ लो खुद ही। नहीं, मेरे ख्याल से सो गई है। अरे नहीं, अभी तो मुझसे पटर पटर बातें कर रही थी, इतनी जल्दी कैसे सो सकती है मुंतहा? बेटे देखो शामीर आया है। अरे दादू रहने दें, अब बस ये एक एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा था मेरे पास, तो मैं इसके लिए ले आया। बेटे इसकी क्या जरूरत थी? दादू स्टडीज में तो जरूरत पड़ती है। अच्छा ये बताओ, इसने तुमसे फरमाइश तो नहीं की थी? अरे नहीं नहीं, वो तो आनिया के पास है, इमन के पास है, तो मुंतहा के पास भी होना चाहिए। चलो तुम कहते हो तो ठीक है। हाँ मैं चलता हूँ, शब बखैर। शब बखैर बेटा, थैंक यू। क्यों उसको बोले जा रही थी कि नहीं लेना, लेना नहीं लेना, मुझे चाहिए लैपटॉप। ऐसे ही फजूल में मना किया जा रही है, लैपटॉप नहीं चाहिए। लैपटॉप की आवाज सुन के तुम्हारी तो आंखें खुल गई, जाग के बैठ गई तुम तो। छोड़े नानो, अब तो मैं बस आराम से एक अच्छी सी मूवी लगा के देखूंगी और अपने सारे गम भूल जाऊंगी, भाड़ में जाऊ दूंगा। वैसे भी मुझे ज्यादा देर डिप्रेशन में रहना अच्छा नहीं लगता। वो ये चार्जर भूल गया था मैं। थैंक यू। यू वेलकम। लैपटॉप।